हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9, गुड आफ्टरनून। अभी चैप्टर नंबर 7 में कुछ एक्सरसाइज ले रहे और आप उसको बराबर ध्यान से देखो, बराबर। वोकैबुलरी 1, कंप्लीट द डायलॉग्स विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स। कंसल्टेड, एडवाइज, सफरिंग, मेडिटेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, चीयर अप, राइट। हियर आर द सेंटेंस। निराली सेज, हाय हाउ आर यू डियर। Raj said, not quite okay. I am days from depression. तो इसमें क्या आएगा? I am suffering from depression. क्या आएगा? Suffering from depression. Niradi says, oh no dear. Actually, how do you feel? Raj says, I have lack of self-confidence, आएगा। I have lack of self-confidence. I don't have does anything I do. तो आएगा उसमें I don't have interest in anything I do. Actually, I don't feel like do anything. Nirali, have you dash any doctor? तो आएगा, have you consulted any doctor? Raj says, yes, but his dash does not seems to work. हाँ, लेकिन उसने उसकी एडवाइस आएगी, बट हीज एडवाइस डज नॉट सीम्स टू वर्क। निराली, हे डू सम एक्सरसाइज एंड ऑल्सो स्टार्ट मेडिटेशन। इसमें तीन फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, लेकिन है आंसर उसमें ऑप्शन है 7, लेकिन 6 आए। इंटरेस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेडिटेशन, सफरिंग, एडवाइस, कंसल्टिंग, इतना है, चीयर अप नहीं आया, बराबर। हियर इज द आंसर। पहले में सफरिंग, दूसरे में कॉन्फिडेंस। मैंने खाली कॉन्फिडेंस लिखा है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इंटरेस्ट, कंसल्टेड, एडवाइस और मेडिटेशन, ये कॉन्फिडेंस है। यहाँ आप साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस लिख देना, बराबर। हियर वी आर टेकिंग V3, V2 में सम प्रॉब्लम्स इज देयर, सो वी आर नॉट टेकिंग दिस, बट V3 वी आर टेकिंग। टिक मार्क द वर्ड हैविंग ऑलमोस्ट अपोजिट मीनिंग। वर्ड्स दिए एनकरेज, डिफिकल्ट, लाइक, लॉन्ग, अचीव, कंक्लूड, इंटरेस्टिंग। इनकरेज का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? डिसकरेज। इनकरेज यानी उसको बढ़ोतरी करना, उसको प्रोत्साहन देना। डिसकरेज मतलब उसको हतोत्साह करना। दूसरा है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का अपोजिट होता है इजी। लाइक,
उसका अपोजिट होता है डिसलाइक, लॉन्ग, लॉन्ग का अपोजिट होता है शॉर्ट, एचीव यानी कुछ भी ग्रहण करना है एचीव तो उसका होता है लूज, क्या होता है लूज, कंक्लूड, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं उसका होता है डिस्क्लोज या तो इंक्लूड होता है, कंक्लूड इंक्लूड डिस्क्लोज भी होता है, कंक्लूड का मतलब शुरू करना, डिस्क्लोज का मतलब बंद करना, ऐसा होता है। इंटरेस्टिंग तो उसका आएगा डिसइंटरेस्टिंग, तो उसके आंसर आएंगे डिस्करेज, इजी, डिसलाइक, शॉर्ट, लूज, डिस्क्लोज एंड डिसइंटरेस्टिंग। How would you frame request to see situation? Request कैसे situation में दाखिल करें? Number one, you are returning home late for tuition. You are returning home late from tuition. You don't have a phone. Ask for a mobile phone for our teacher, your teacher, so that you can inform your parents. बराबर ना, आप ट्यूशन से देरी से आने वाले हैं तो घर पे मम्मी को इन्फॉर्म करना होता है, पापा को, तो आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप क्या करोगे? मोबाइल किसके पास लोगे ना, तो उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट करनी है हमें, तो कैसे करेंगे? वुड यू लेंड मी योर मोबाइल फ़ोन प्लीज़, क्या आप मुझे आपका मोबाइल दे सकते हो क्या, ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। बराबर। नंबर टू, यू वांट योर नाइबर टू टर्न द म्यूज़िक डाउन because you are preparing for your exam. आप अपने पड़ोसी को ये कहना चाहते हैं कि म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा डाउन करो, तो कैसे कहोगे उसको? इस तरह से कह सकते हो, Will you please reduce the volume of the music? क्या कहोगे? Will you please reduce the volume of your music? Number three, you need to pay bus fare, but you don't have change. Ask a fellow travelers to change. अभी आप मुसाफिरी कर रही हो बस में और आपके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो आपके पीछे जो बैठा है ट्रैवलर्स उसको रिक्वेस्ट करनी है छुट्टे पैसे के लिए, तो क्या बोलोगे? ऐसा बोलोगे ना, Could you give me rupees 50 change please? क्या आप मुझे 50 रुपए के छुट्टे दोगे? बराबर। फोर नंबर,
you want your classmate to help you in solving a puzzle. आप अपने दोस्त को आपको मदद के लिए करना कहना चाहते हो पजल में, तो क्या कहोगे? कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस पजल? कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस पजल? उसको रिक्वेस्ट करोगे ना ऐसे? नंबर 5, यू आर न्यू टू ए प्लेस, आप एक जगह पे नए हो. आस्क फॉर द एड्रेस दैट यू आर लुकिंग फॉर, और एड्रेस के बारे में, पता के बारे में आप किसको पूछना चाहते हो, तो कैसे पूछ पाओगे? कुड यू प्लीज टेल मी वेयर दिस प्लेस इज? Could you please tell me where this place is? बराबर?